वेलकम गेमर, स्वागत है आपका हमारे पोकेमोन यूनाइट के एक और एपिसोड में। देखो, इस एपिसोड में असल में मैं रैंडमली सी बिल्ड ट्राई कर रहा था, तो उसी वक्त भाई एक टीटीवी वाला बंदा आ गया। देखो, ऑल ओवर 90s वाला जो था ना, वो टीटी और अब टीटीवी वाले कौन है भाई, ये दुनिया के टॉप प्लेयर्स की एक टीम रहती है टीटीवी वाले, तो उसमें से वो था ऑल ओवर 90s, जिन्होंने आपने देखी उसके पास स्किन भी थी। तो फिर भाई अभी इस मैच में मैं एक अलग बिल्ड ट्राई कर रहा था, आपको बता देता हूँ। मसल बैंड, फोकस बैंड और वीकनेस पॉलिसी था मेरे पास। तो फिर मैं इसे रैंडमली बिल्ड ट्राई करता, उसी वक्त आ गया। तो भाई ये एक और यूनाइट का टॉप प्लेयर है भाई। तो भाई ऐसे में बताया था टॉप प्लेयर्स के साथ ही लड़ने में उसकी मज़ा आता है। अब देखो भाई, सेंटर मैं ले लेता कि कोई नहीं ले रहा है, अच्छा खासा मिल रहा तो ले लेते हैं, और क्या। अभी तो फिलहाल जल्दी जल्दी फार्म कर लेते हैं वैसे। और वैसे मैं बता दूं कि इस वीडियो को मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, नो साउंड भी गलती से रिकॉर्ड होता है भी, तो फिर ये अलग से बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रहा हूँ और मैं अलग से रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ये मैच थोड़ा पुराना मैच बोल सकते हैं, मतलब पुराना हो गया है थोड़ा सा मैच, अभी नहीं है अभी है, क्योंकि बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ बदल गया है। तो अभी उसका पहला है, वो टॉप पाथ में गया वो टी टी वाला बंदा, और हम लोग अभी पहले फर्स्ट रोटेशन में नहीं जा रहे। देखो यहाँ पे ना 850 को पोलर बेस पॉन होते हैं, बीज नहीं पोलर बेस पॉन होते, तो इनको मारने से कुछ एक्सपीरियंस मिलता, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ था। ए ये इधर का घास में छुपा है, निकलो। हाँ ठीक है ठीक है भाई, ये सेंटर है दूसरा इधर, इसके ऊपर मैं रहम नहीं करने वाला, इसको भाग के चलो, हमें क्या मतलब। देखो मैं बता देता हूँ, ये गार्चोम्प है, ये गार्चोम्प पावरफुल पोकेमोन तो है, पर ये गार्चोम पावरफुल है भाई, ये अभी गवाई टेस्ट और छोटा रूप है ये, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। ये देखो ऐप वाले आराम से भग जाएगा भाई, स्पीड चल रहा है, नहीं पकड़ सकता मुझे, एक्सपीड में फुकट में यूज़ नहीं करना चाहता। चलो वापस से जाके हम जाके फार्म करना स्टार्ट कर दे भाई, गार्चोम पावरफुल है बोला मैंने। और मैं बता दूँ, ये जो मैंने बिल्ड ट्राई किया इसको माई मत करना, कि उतना मतलब ज़्यादा अच्छा बिल्ड नहीं है ये। दू क्यू आ गया जरूर भाई, जाना दो दो जन जंगल ग्राइंड करेंगे क्या। बॉटम में तो भाई पूरी तो तबाही हो रही है, वही फिलहाल मैं वाले रोटेशन में टॉप में जाने वाला हूँ। हाँ टॉप पाथ में शो टी टी वी वाला है भाई। अब भाई इनके नाम थोड़े से अलग रहते हैं, इसलिए मैं नहीं पढ़ना चाहता भाई। ए इसको पकड़ो रे, हाँ ये है वो, देखो उसकी स्किन देखो आपको दिख रही होगी, ये देखो स्नोलेस भी जा रहा है, कम हेल्थ में चले जाएगा, डिफेंडर है भाई, आराम से भाग जाएगा वो। अभी यहाँ पे 720 को भी पुलर बेयर स्पॉन होते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी हेल्थ बढ़ा रहा था अपनी। ये पीछे आ जा, स्कॉर्बनी सिंड्रस भी नहीं है तो अभी। हाँ देखो टीटी वाला बंदा वापस से आ गया, उसको पिछली बार मारता मैं, अरे यार सिंड्रस को बचाना पड़ेगा। बच गया बच गया बच गया भाई, तो उसको किल करने के लिए यहाँ तक आ गया। चलो हमें क्या मतलब, हमें तो फार्म करने से मतलब है, फिलहाल गार्चोम बनना है हमें, लेवल 9 पे ही गार्चोम बनता है, जो थोड़ा सा ज़्यादा लेवल रहता है। सॉरी फ्रेंड्स, वैसे गार्चोम को फार्म करना मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर गार्चोम बन गया भाई तब तो इस मतलब भाई बहुत ओवर पावर्ड हो जाता है। इस पर को फार्म करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई अब देखो मेरे को ये मिड मिल गया ना, इसलिए मैं आराम से गार्चोम बन जाता हूँ यहाँ पे। पर अगर आपको मिड नहीं मिला, सेंटर लेन नहीं मिली, तो फिर गार्चोम बनना बहुत मुश्किल रहता है। उस अब इस वाला रोटेशन में बॉटम में जाएगी, यार यार बॉटम में तो पूरे जन मर गए, कोई नहीं है वहाँ पे। नहीं नहीं है सरीना है हमारी, बट वो भी कितनी देर तक टिकेगी, मर गई। ये तूने मारी थी ना, रुक देखो इतनी हेल्थ में जाने ही दूंगा। अरे यार फिर दूसरे ने मार देंगे मेरे को, हाँ ठीक है इले तुम लोग यूनाइट मूव खाओ। चलो जाके जल्दी से डेडनो ले लेते, इसको मारने से हमें एक्सपीरियंस मिलता है और शील्ड भी मिलती है हमारी पूरी टीम को, लेकिन क्या तो इसको मारना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं इसको अकेले लेने आ गया। पर जीरो रॉक को अब आना चाहिए था, पर भाई वो स्कोर करने चले गया। और भाई बता दूँ, ये मेरा मास्टर रैंक का गेम प्ले, जब मैं अपना रैंक पुश कर रहा था, अभी तो भाई मेरा रैंक तो बहुत हाई हो चुका है, ये पुराना वीडियो ये पुराना है जो मैंने रिकॉर्ड किया था। अरे ये कार्ड खेल रहा है अपनी शील्ड वील्ड बना के, भाई मरूंगा मैं भाई, छोड़ दे छोड़ दे। क्या वैसे भी वहाँ पे नहीं टिक सकता था, वहाँ पे चार चलते हैं, मैं बस यूनाइट रहता ना तब भी वहाँ पे टिक नहीं पाता, तो फिर क्या करें। अब अभी फिलहाल
जरा सेंटर में आ गया ना, वापस यूनाइटमो को रिकॉल कर लेते हम लोग। ये काई के लिए आ रहा है यार, मेरे को यूनाइटमो को, चलो कुछ नहीं होगा, चले गया। अरे भाई एक बफ लेके गया थे भाई, दो बफ होते हैं, वो एक था और ये दूसरा वाला रेड वाला। रेड वाला बफ ज़्यादा काम कर रहे थे पहले बता दूँ पर्पल वाले बफ से। चलो हमारे पास डिक प्लस भी आ चुका है, इस गोल्डफिश को मार लेते जल्दी से, आप यूनाइटमो आ जाए। ये देखो ये फिर से आ गया टीटी वाला। ओ भाई यूनाइटी चला दिया। ओ भाई दो जने पे, ओ जम क्या जम रहा है भाई, क्या जम रहा है, छोड़ छोड़ पीछे 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 पीछे। हाँ ठीक है अब आ जा। अरे यार भाई दोनों स्टन कर रहे भाई, पीछे 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 पीछे, थोड़ी सेल लेके आता हूँ भाई। भाई नहीं हो गया, नहीं कर सकता मैं कुछ भी। अब तीन जन आ गए, हम यूनाइट चला तब भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाता। चलो कुछ नहीं होता, इन्होंने इस बार यूनिट चला दिए, अब हम नेक्स्ट बार यूनिट। अरे भाई ये ग्रिडन का जा रहा है अब भाई रोटम, रोटम को लेने ही जाना पड़ेगा क्योंकि हमें रोटम आपका स्कोर करने में मदद करता ही। वो भाई जरूर तो क्योस्ट्री टू कर दिया। ओ सरीना पकड़ उसे, पकड़ पकड़ क्योस्ट्रिक थ्री, बहुत बढ़िया। टी टी वाले को पकड़ लिया, क्योस्ट्रिक फोर, बहुत बढ़िया भाई, हमारे जरूर बहुत अच्छा। चलो 12 का स्कोर कर देते भाई, गैप फिर से यूनाइट चला। अरे इसको चलाना ही पड़ेगा लग रहा है मेरे को ये ले। अरे यार मैं बोलता नहीं, ये वाला बिल्ड को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि भाई आज जैसे मैंने यूनाइट चलाया, मेरी यूनाइट ख़त्म होने से पहले ही मैं मर गया तो मेरी यूनाइट ख़त्म होने से पहले ही मैं मर गया लिटरली भाई। अब भगाओ ड्रेडनो को ले जाना पड़ेगा, मतलब भाई सारे का मैं नहीं कर सकता ना। वो भाई टीटी वाला मतलब ड्रेडनो लेने पर भाई हमारे सरीना से वही मार दी। मैं बता दूँ सरीना के सामने भाई नहीं टिक सकती वो, गार्च और टिक सकती। ये चोर नहीं लिया, किसने लिया, हाँ हमारे सरीना ले ली। अरे भाई इधर आ तू, ये चोर नहीं ले आया था, चोर ले तो कौन है ना मार अभी खिस्सा क्या सरीना, चल पीछे आ जा। यहाँ पे मेरे हिसाब से पोलर बे भी आने वाले, अरे पीछे आ जा। हाँ ठीक है कहीं के लिए भेड़ने जा रही फोकट में, यहाँ पे आके पोलर बे मार रहा ये सिलेंडर से हमारी ग्रेड मारा पर वापस ग्रेड को मार नहीं पाया। ओ मार दिया ये ना एक्सपीड उसके पास आता हूँ। वैसे मैंने बैटल लाइटर्स में एक्सपीड रखा था, आप चाहो तो फुल हील भी या स्लो स्मोक भी रख सकते हो, एक्स्ट्रा टाइप भी रख सकते हो आपकी मर्जी। वैसे मैं इस वक्त एक्सपीड यूज़ कर रहा था, पर वैसे मैं पर्सनली बोलूँगा ना मैं तो स्लो स्मोक यूज़ करना पहले बता देता हूँ। और इस बिल्ड और इसमें मैंने डिग एंड अर्थक्वेक लिया था, ड्रैगन रश और ड्रैगन क्लॉ का भी कॉम्बो अच्छा है, पहली बार दोनों ही कॉम्बो अच्छे है। मेरा यूनिट वापस से रिकॉल कर लेता हूँ फाइनल स्ट्रेच के पहले क्योंकि आखिरी के दो मिनट में आरडी कोनो आ जाता है और लेवल 14 का भी होने वाला, बहुत बढ़िया। एक और गोल्डफिश को वापस मारना पड़ेगा मुझे, ये देखो जो क्रैब दिख रहा है इसका नाम गोल्डफिश है चलो आइए तो बफ को भी लेते ही जाते हैं गाइक ले, छोड़ देना फोकट का मिल रहा है भाई। चलो अब सेंटर में चलते हैं, पर मेरे को कोई दिख नहीं रहा है वहाँ पे, रुक जाओ मैं थोड़ी देर यही पे रुक जाता हूँ सबसे बेस्ट, क्योंकि अगर मैं अकेले जाऊँगा तो भाई मेरे को मालूम है पेट जाऊँगा मैं, क्योंकि वो सामने पूरी टीम है ना। वो भाई बहुत बढ़िया, एक को तो मार दिया इसने, वो हमारा ग्रेटेड भी रुका हुआ है। ये क्या कर भाई, 30 का स्कोर करने के लिए रुका हुआ है भाई, कभी भी ये गलती मत करना कि फाइनल स्ट्रेच के टाइम मतलब जो आर्टी को ना जबरदस्त स्पॉन हो जाता है उस वक्त स्कोर करने का भाई, ये बहुत रिस्की होता है, उसे आप मर जाते हो तो आप पूरी टीम को हरवा सकते हो ये एक गलती के कारण, इसलिए भाई ऐसा मत करना। ओ भाई हमारा जरूरत भी गया, सरीना भी छुपी हुआ भी निकली हो भाई, मेरे को जाना पड़ेगा नहीं तो मर जाएगी। ग्रेडेंट भी आ गई हमारी, चलो और यूनाइट चला देते। ओ भाई कितनी, हाँ ये तो रेड हेल्थ में आ गया, क्या भाई किसको 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 किसको, नहीं यार किसने लिया भाई, हमारी टीम ने लिया, पता नहीं किसने लिया मुझे पक्का पता नहीं है। ओ भाई ये सिंड्रेस ने आखिर में यूनाइट मुँह आगे चला के ले लिया, चल ठीक है स्कोर करो अब जल्दी जाके स्कोर सब। अरे नहीं कर पाएगा सिंड्रेस भी, आखिर में बस एक सिंह ने स्कोर किया है, पास हो गया। ओ भाई इसको एक हेल्थ में मार दे उसे, अरे एक्सपीड है भाग जाएगा। ओ भाई बहुत बढ़िया, लाइक ठोको इसको बहुत बढ़िया। अब थमन और मेरे हिसाब से हम लोग अभी लीड में है क्योंकि उनके दो बेस बचे, हमारे तीन बेस बचे हैं,
ये तो टॉप में चले गया, ये बॉटम में चले गया। अरे सिंड्रेस स्कोर करने आ रहा था। मैं फिलहाल ये भी रहता हूँ, देखता हूँ कौन कहाँ पे आ रहा है, उसके सबसे मैं जंप करूँगा। भाई बॉटम में तो कोई नहीं है, अब टॉप में भी कोई नहीं है। ये देखो सिंड्रेस भगाते हुए ब्रीडर्स को भगाते भगाते आ रही है। ये बीच में कहाँ रहा है भाई, बीच में स्कोर ही नहीं कर सकते है। अगर ऊपर के दोनों बेस बचे तो आप यहाँ पे स्कोर ही नहीं, तो फोकट का मर जाएगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया भाई, फ्री में किल मिल गया यहाँ पे। अब देखते हैं भाई क्या हुआ क्या नहीं। वैसे तो मेरे हिसाब से हम लोग लीड में हैं, बट देखते भी क्या होता है क्या नहीं। ओ भाई टीवी वाले बंदे को हमने, अब उनकी टीम है वो सब मेरे को नहीं मालूम, बट भाई हमने हरा चुके। हाँ मैं लास्ट में स्कोर नहीं, उसके कारण मैं MVP नहीं बना, नहीं तो भाई मैच MVP बना रहता है अभी। देखो भाई क्या कड़ा मैच था, कभी उनकी लीड कभी हमारी लीड, कभी उनकी लीड कभी हमारी लीड, भाई मज़ा तो आ गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छे लगे डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की गेम की वीडियोज देखने के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।